हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे हिरोन्स फॉर्मूला। हिरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल पता किया जाता है। तो हिरोन्स फॉर्मूला में क्या होता है कि जैसे आप मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, और ए के सामने का जो साइड होता है उसकी लेंथ को ए से डिनोट किया जाता है, बी के सामने का जो साइड होता है उसको लेंथ को बी से, और सी के सामने का सी से। तो यहाँ से ए बी और सी जो दिया हुआ है वो ट्रायंगल का साइड का लेंथ है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर हाफ पेरीमीटर पता करेंगे। एस इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, जहाँ पे एस क्या है हाफ पेरीमीटर। एस इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है अंडर रूट एस एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसी फॉर्मूला को कहा जाता है हिरोन्स फॉर्मूला। अब इसे क्या किया जाता है, इसे एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया जाता है। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, जिसका जो साइड दिया हुआ है वो 6 है 8 है एंड 10। तो इसका एरिया बताना है कि कितना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एस एस पता करेंगे। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यहाँ पर हो जाएगा ए इक्वल टू 8 8 प्लस 10 प्लस 6 बाई टू, टोटल हो जाएगा इक्वल टू 18 24 ट्रायंगल हो तो उसका एरिया पता कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है।